नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज का टॉपिक है हमारा सेपर एंड स्लॉटिंग। तो आइए पहले बात करते हैं सेपर की। सेपर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों आकृतिकार। तो सेपर होती क्या है? मशीन टूल यूज फॉर सेपिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड सेपर। मतलब वह मशीन टूल जो सेपिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम सेपर बोलते हैं। डिजाइन फॉर मशीनिंग फ्लैट सर्फेसिस, फ्लैट सर्फेसिस की मशीनिंग के लिए इसको डिजाइन किया गया। ऑन स्मॉल साइज जॉब, जो छोटे प्रकार की जॉब होती है। इफ द साइज ऑफ द जॉब इज लार्ज, और यदि जॉब बड़ी है, देन प्लानिंग इज यूज। तो उस कंडीशन में हम प्लानिंग मशीन टूल का यूज करते हैं। इन ए सेपर, सेपर के अंदर द वर्क पीस इज होल्ड स्टेशनरी ड्यूरिंग कटिंग। जब वर्क पीस पर हम कटिंग करते हैं तो उसमें सारे प्रोसीजर के अंदर जो आपका टूल, जो आपका वर्क पीस होता है वो आपका स्टेशनरी होता है। वाइल द टूल रेसिप्रोकेट्स हॉरिजॉन्टली, और जो टूल्स होता है वो हॉरिजॉन्टली रेसिप्रोकेट्स करता है। द फीड एंड डेप्थ ऑफ द कट आर नॉर्मली प्रोवाइडेड बाई मूविंग द वर्क। फीड और कट जो, डेप्थ ऑफ कट जो देनी होती है वो वर्क को मूव करके हम दे सकते हैं। सच सेपर इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल सेपर। इस तरह की जो मशीन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? हॉरिजॉन्टल सेपर बोलते हैं। सेपर इज ए मशीन टूल यूज प्राइमरीली फॉर, किस लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों इसका? प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट और प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस और फ्लैट सरफेस बनाने के लिए। विच मे बी इन ए हॉरिजॉन्टल, ए वर्टिकल और एन एंगुलर प्लेन। अब चाहे प्लेन उसका आपका हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे एंगुलर हो। मेकिंग स्लॉट्स, स्लॉट्स वगैरह बनाने के लिए। ग्रूप्स एंड कीवेज, इनके लिए सेपर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोड्यूसिंग कंटूर ऑफ कॉन्केव कॉन्वेक्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। कंटूर भी बनाते हैं जो कॉन्केव या कॉन्वेक्स शेप में होते हैं, या फिर दोनों का मिश्रण होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। ये दोस्तों सेपर का फिगर है। नीचे बेस दिखा रखा है, ऊपर से देखे तो रैम है, क्लैंप है, टूल स्लाइड, स्वाइवल बेस, क्लैपर बॉक्स, ब्लॉक, टूल पोस्ट, टेबल, सैडल और क्रॉस रेल वगैरह। ये आपके क्रॉस रेल, एलिवेटिंग साइड स्क्रू वगैरह, ये सब इसके दोस्तों पार्ट्स हैं। ये फिगर ध्यान रखना। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं दोस्तों। जॉब इज रिजिडली फिक्स्ड ऑन द मशीन टेबल। मशीन टेबल पर जो है जॉब जो होती है मजबूती से रिजिड होती है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हेल्ड प्रॉपरली इन द टूल पोस्ट इज माउंटेड ऑन ए रेसिप्रोकेटिंग आर्म। जो उसकी रेसिप्रोकेटिंग आर्म होती है उसके टूल पोस्ट के ऊपर जो है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल प्रॉपरली हम उसको लगाए रखते हैं। रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द रैम इज ऑब्टेंड बाय ए क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। और रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो होता है इसका रैम का, इसको जो है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। एज द रैम रेसिप्रोकेट्स, जैसे रैम रेसिप्रोकेट्स करती है द टूल कट्स द मटेरियल ड्यूरिंग इट्स फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो इस फॉरवर्ड स्ट्रोक के अंदर जो है मेटल जो है कट होता है। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन से स्ट्रोक के अंदर मटेरियल रिमूव होता है सेपर के अंदर, फॉरवर्ड स्ट्रोक या आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक। तो आपको आंसर देना है फॉरवर्ड स्ट्रोक। ड्यूरिंग रिटर्न देर इज नो कटिंग एक्शन एंड दिस स्ट्रोक इज कॉल्ड द आइडियल स्ट्रोक। और जब रिटर्न स्ट्रोक होता है तो उसमें कोई कार्य नहीं होता, कोई कटिंग नहीं होती है, तो इसलिए इसको दोस्तों आइडल स्ट्रोक भी बोल लेते हैं। पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय आइडल स्ट्रोक इन द सेपर, तो कहोगे कि ड्यूरिंग रिटर्न देयर इज नो कटिंग एक्शन एंड दिस स्ट्रोक इज कॉल्ड द आइडल स्ट्रोक। फॉरवर्ड एंड रिटर्न स्ट्रोक्स कंस्टिट्यूट अ वन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द सेपर। फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक के अंदर जो है एक ऑपरेटिंग साइकिल पूरा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी कंस्ट्रक्शन की। द मेन पार्ट्स ऑफ द सेपर मशीन इज क्या क्या है? बेस है, बॉडी, पिलर फ्रेम, कॉलम, क्रॉस रेल रैम, ये टूल हेड, टूल पोस्ट, टूल स्लाइड, क्लैंप बॉक्स, ब्लॉक। बात करते हैं दोस्तों बेस की। बेस इज ए हैवी कास्ट आयरन कास्टिंग, ये कास्ट आयरन का कास्टिंग होकर के बनाया गया होता है। विच इज फिक्स टू द सब फ्लोर, जो कि सब फ्लोर के साथ फिक्स होता है। इट सपोर्ट्स द बॉडी फ्रेम एंड द एंटायर लोड ऑफ द मशीन, ये मशीन के सारे लोड को और बॉडी को सपोर्ट करता है, फ्रेम को। बेस एब्जॉर्ब्स एंड विदस्टैंड वाइब्रेशन एंड अदर फोर्सेस व्हिच आर लाइकली टू बी इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेपिंग ऑपरेशन। जब हम सेपिंग ऑपरेशन करते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों जो वाइब्रेशन वगैरह होते हैं या जर्क वगैरह जो लगते हैं ये उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसकी बॉडी, पिलर, फ्रेम, कॉलम। इट इज माउंटेड ऑन द बेस एंड हाउसेज
द डिवाइस ड्राइव मैकेनिज्म कंप्रेसिंग द मैन ड्राइव, ये जो है आपका बेस एंड हाउसेस के साथ ड्राइव मैकेनिज्म से कंप्रेस होकर के मैन ड्राइव के साथ जुड़ा होता है, द गियर बॉक्स एंड द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म फॉर द रैम मूवमेंट, इसके अंदर गियर बॉक्स दिया होता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म के लिए, द टॉप ऑफ द बॉडी प्रोवाइड्स गाइड वेज फॉर द रैम एंड इट्स फ्रंट प्रोवाइड्स द गाइड वेज फॉर द क्रॉस रेल, जो टॉप ऑफ बॉडी प्रोवाइड्स क्या करती है, गाइड वेज करती है फॉर द रैम को एंड फ्रंट प्रोवाइड्स द गाइड वेज फॉर द क्रॉस रेल को, क्रॉस रेल क्या होती है दोस्तों, माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ द बॉडी फ्रेम, ये बॉडी फ्रेम के फ्रंट पर माउंटेड होती है एंड कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन, और ऊपर नीचे दोनों पोजिशन में ये मूव कर सकती है, द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द क्रॉस रेल परमिट्स जॉब ऑफ डिफरेंट हाइट्स टू बी अकोमोडेटेड बिलो द टूल, ये जो आपका इसका वर्टिकल मूवमेंट होता है इसलिए होता है कि इसके नीचे कितनी बड़ी से बड़ी जॉब को हम जो है सेट कर सकते हैं, स्लाइडिंग अलोंग द क्रॉस रेल इज ए सैडल विच कैरीज द वर्क टेबल, सैडल के साथ स्लाइडिंग करता है जो वर्क टेबल होती है इसकी, रैम एंड टूल हेड क्या होते हैं, रैम इज ड्राइवन बैक एंड फोर्थ इज इट्स स्लाइड बाय द स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म के साथ इसको हेड करते हैं, बैक एंड फोर्थ इज इट्स स्लाइड्स, जो इसके बैक एंड फोर्थ स्लाइड्स जो करते हैं किसके द्वारा, स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म के द्वारा, द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ रैम इज कॉल्ड स्ट्रोक, और जो इसकी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक, एंड इट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द वर्क पीस टू बी मशीन, अब जिस वर्क पीस को हमको मशीनिंग करनी होती है उसके अकॉर्डिंग इसको हम जो है सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों टाइप ऑफ सेपर की बात करते हैं, सेपर्स कैन क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया, ये कई पार्टों में बटी होती हैं, कौन कौन से हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ड्राइविंग मैकेनिज्म, ड्राइविंग मैकेनिज्म के बेस पर क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर ड्राइविंग मैकेनिज्म टाइप होता है, विटवर्थ क्विक रिटर्न ड्राइविंग मैकेनिज्म टाइप होता है, हाइड्रोलिक ड्राइविंग मैकेनिज्म टाइप होता है, अब बेस्ड ऑन द टेबल ऑफ डिजाइन प्लेन सेपर और यूनिवर्सल सेपर, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग रैम यूज्ड हॉरिजॉन्टल सेपिंग मशीन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेपर यूज होती है, जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल सेपिंग मशीन, वर्टिकल सेपिंग मशीन भी होती है, ट्रेवलिंग हेड सेपिंग मशीन भी होती है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कटिंग स्ट्रोक ऑफ द टूल, पुश आउट टाइप और ड्रॉ कट टाइप, ये दोस्तों इसकी टाइप्स होती हैं। तो दोस्तों ये हमने बात की थी अभी सेपर मशीन की, अब बात करते हैं स्लॉटिंग मशीन की, तो दोस्तों ये तीन चार मशीनें हैं जिसमें आपके एक सेपर है, एक स्लॉटर है, एक प्लेनर है, एक बोरिंग है, इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, और वो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि कौन से स्ट्रोक में मटेरियल रिमूव होता है, किस स्ट्रोक में सेपर या स्लॉटर या प्लेनर काम करती है। स्लॉटर मशीन इज डिफाइंड एज ए मशीन टूल यूज फॉर रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल चिप्स फ्रॉम द वर्क पीस टू मेक सप्लाइंस ग्रूव्स एंड मोल्ड, ग्रूव्स या सप्लाइंस वगैरह काटने के लिए जो अनवांटेड मटेरियल होता है वर्कपीस के अंदर उसको ये रिमूव करने के लिए हम स्लॉटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। हेयर द रैम टूल अटैच्ड मूव्स रेसिप्रोकेटिंग वेयर एज इन सेपर द रैम मूव्स हॉरिजॉन्टली, इसमें क्या होता है, इसमें जो टूल अटैच्ड होता है वो रेसिप्रोकेटिंग मूव्स करता है और सेपर के अंदर दोस्तों हॉरिजॉन्टली, दिस इज ए रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन टूल, ये भी एक रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन टूल है, द रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ मशीन टूल्स आर सेपर प्लेनर एंड स्लॉटर, ये तीनों के तीनों आपके रेसिप्रोकेटिंग टाइप मशीन टूल हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड दिस मशीन इज ए वर्टिकल सेपर मशीन, इसको हम वर्टिकल सेपर मशीन भी बोलते हैं, इट इज नोन मोस्टली फॉर मशीनिंग इंटरनल सर्फेसिस, ये इंटरनल सर्फेसिस की मशीनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, द टूल वी यूज इन दिस इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विच इज मेड अप ऑफ हाई स्पीड स्टील, एक हाई स्पीड स्टील का बना हुआ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का इसके इस्तेमाल करते हैं, पूछ लेते हैं कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं और वो किसका बना होता है, तो हाई स्पीड स्टील का बना होता है दोस्तों। ये आपके सामने स्लॉटिंग की फिगर है, ऊपर रैम दिखा रखा है, नीचे लर्न मैकेनिकल सॉरी आपके टी स्लॉट दिखा रखा है, आपका टूल है, कॉलम है, मोटर है और आपका बेस है, ये आपकी स्लॉटिंग मशीन है दोस्तों। बात करते हैं स्लॉटिंग मशीन के पार्ट्स की, स्लॉटर मशीन कंसिस्ट ऑफ थ्री फॉलोइंग पार्ट्स, दीज फॉलोइंग पार्ट्स कौन कौन से, बेस होता है, कॉलम होता है, सैडल होती है, क्रॉस स्लाइड होती है, रोटेटिंग और सर्कुलर टेबल, रैम एंड टूल हेड, रैम ड्राइव और फीड ड्राइव, ये इसके दोस्तों मशीन पार्ट्स हैं। इसके बेस क्या होता है, इट शुड बी सफिशियंटली रिजिड टू टेक द एंटायर लोड ऑफ द मशीन, इतना मजबूत होना चाहिए कि मशीन के पूरे सारे लोड को झेल सके,
इट हैज द टेक ऑल द लोड, ये सारे लोड ले सके, डायनामिक हो एंड इम्पैक्ट लोडिंग हो वाइल ऑपरेटिंग, जब ऑपरेटिंग कर रहे हो इसको चला रहे हो तो सारे लोड को ही झेलने में सक्षम हो। द गाइड वेज परपेंडिकुलर टू द कॉलम फेस, जो गाइड वेज होता है वो कॉलम फेस के परपेंडिकुलर होता है, शुड बी एक्यूरेटली फिनिश टू मूव द सैडल इजीली एंड एक्यूरेटली, ताकि जो है मूव सैडल जो है वो इजीली और एक्यूरेटली जो है फिनिश कर दे काम को। जनरली इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसका जो बेस होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। दोस्तों जितनी भी हैवी मशीन्स होती हैं उन सभी हैवी मशीन्स के जो बेस होते हैं या बॉडी जो होती है हैवी मशीन्स की वो कास्ट आयरन की बनी होती है, बिकॉज ड्यू टू इट्स रिजिडनेस, क्योंकि ये रिजिड ज़्यादा होती है। कॉलम, द राइट वर्टिकल कास्ट इंटीग्रल रैपिड रिजिड पार्ट ऑफ द बेस इज द कॉलम, और जो कास्ट आयरन कास्ट इंटीग्रल पार्ट होता है इसका सबसे ज़्यादा भारी जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉलम। इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पज, ये निम्नलिखित उद्देश्य के लिए यूज किया जाता है। इट हाउसेज द ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ द रैम, रैम के ड्राइविंग मैकेनिज्म को हाउस करता है। विच रेसिप्रोकेट्स ऑन इट्स फ्रंट वर्टिकल फेस, जो कि फ्रंट वर्टिकल फेस पर रेसिप्रोकेट्स करता है। इट ऑल्सो हाउसेज द फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ द टेबल, ये टेबल के फीडिंग मैकेनिज्म को भी हाउसेज करता है। नेक्स्ट दोस्तों सैडल, इट मूव्स ऑन गाइड वेज, ये गाइड वेज पर मूव करता है। ऑन द बेस टू प्रोवाइड ए लॉन्गिट्यूडनल फीड ऑफ द टेबल, टेबल की लॉन्गिट्यूडनल फीड के लिए, दैट इज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन टू द फ्रंट वर्टिकल फेस ऑफ द कॉलम, और पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए इसका जो है फ्रंट फेस लेते हैं वर्टिकल कॉलम के अंदर। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स गाइड वेज ऑन इट्स टॉप फेस, गाइड वेज टॉप फेस पर गाइड वेज भी प्रोवाइड करता है। परपेंडिकुलरली टू द गाइड वेज ऑन द बेस ऑफ द क्रॉस स्लाइड द लॉन्गिट्यूडनल फीड मे बी गिवन आइदर मैनुअली और बाई पावर, जो इसको जो फीड देते हैं लॉन्गिट्यूडनली फीड देते हैं मैनुअली भी दे सकते हैं और बाई पावर मोटर वोटर के जरिए भी हम इसको दे सकते हैं। दोस्तों क्रॉस स्लाइड क्या होती है, इट इज माउंटेड ऑन द गाइड वेज ऑफ द सैडल एंड कैन प्रोवाइड क्रॉस फीडिंग ऑफ द टेबल, टेबल को क्रॉस फिटिंग प्रदान करती है। इट होल्ड्स द सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल को होल्ड करती है। इट प्रोवाइड्स द अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस फीडिंग आइदर मैनुअली और बाय द पावर, इसको भी मैनुअली पावर के जरिए अरेंजमेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। सर्कुलर टेबल और रोटेटिंग टेबल, इट कैन रोटेट ऑन क्रॉस स्लाइड टू प्रोवाइड सर्कुलर फीडिंग ऑफ द वर्क, वर्क को सर्कुलर फीडिंग देने के लिए इसको क्रॉस स्लाइड पर ऊपर रोटेट करते हैं। इट कैन होल्ड द वर्क बाई क्लैंपिंग यूजिंग फिक्सचर्स फिक्सिंग वाइसेस एटीसी, इसको फिक्सर्स या फिक्सिंग वाइसेस के जरिए इसको हम क्लैंप कर देते हैं। इट हैज द अरेंजमेंट ऑफ रोटरी फीडिंग आइदर बाय हैंड और बाय पावर, इसको भी या तो हाथ से अरेंजमेंट कर लेते हैं इसका मूव करने के लिए फीडिंग देने के लिए, या फिर जो है पावर के जरिए। ऑन सम मशीन्स द टेबल में भी ग्रेजुएटेड इन डिग्रीज फॉर इंडेक्सिंग, कुछ में जो है टेबल क्या होता है ग्रेजुएटेड होती है, जो कि जिसके अंदर इंडेक्सिंग के लिए डिग्रीज वगैरह उसके अंदर दी हुई होती है। दोस्तों नेक्स्ट है रैम एंड टूल हेड, रैम स्लाइड्स ऑन द गाइड बेस, ये गाइड बेस पे स्लाइड करता है, माउंटेड ऑन द फ्रंट वर्टिकल फेस ऑफ द कॉलम। रैम प्रोवाइड्स ए स्लॉट फॉर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द स्ट्रोक, स्ट्रोक की पोजिशन को चेंज करने के लिए ये आपका स्लॉट प्रोवाइड्स करता है। रैम कैरीज द टूल, रैम के अंदर टूल होता है विच इज माउंटेड एट द बॉटम एंड ऑफ द टूल हेड, जो कि टूल हेड के बॉटम एंड पे होता है। रैम ड्राइव क्या होता है दोस्तों, इट प्रोवाइड्स द सर्कुलर मोशन ऑफ द मोटर टू द रेसिप्रोकेटिंग पोर्शन ऑफ द रैम इन ए वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में रेसिप्रोकेटिंग मोशन और सर्कुलर मोशन को प्रदान करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द अरेंजमेंट ऑफ स्लोअर स्पीड ड्यूरिंग द कटिंग और फॉरवर्ड स्ट्रोक, कटिंग और फॉरवर्ड स्ट्रोक में हम इसकी स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, एंड ग्रेटर स्पीड ड्यूरिंग द रिटर्न स्ट्रोक टू रिड्यूस द आइडल टाइम, और आइडल टाइम को कम करने के लिए हम इसके जो आपका फॉर रिटर्न स्ट्रोक है उसमें हम स्पीड को तेज कर देते हैं ताकि जल्दी से वो टाइम खत्म हो जाए। फीड ड्राइव क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द अरेंजमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस ए फीड, इन लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस ए फीड ऑफ द टेबल आइदर बाय पावर और मैनुअली, या तो पावर के जरिए मैनुअली इसको जो हम मूव कराते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द अरेंजमेंट ऑफ सर्कुलर और रोटरी फीडिंग ऑफ द टेबल ऑन ए वर्टिकल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस पर ये जो है सर्कुलर या रोटरी फीडिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। दोस्तों वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्लॉटर मशीन, द वर्किंग ऑफ द स्लॉटिंग मशीन इज सिमिलर टू द सेपर मशीन की तरह होता है, डू बट द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज द सेपर मशीन वर्क्स हॉरिजॉन्टली वेयर एज स्लॉटर मशीन वर्क वर्टिकल, ये लास्ट वाला लाइन जरूर दोस्तों ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आएगा
कि जो सेपर मशीन होती है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, सेपर मशीन हॉरिजॉन्टली वर्क करती है और जो सिलोटर होती है वो आपकी वर्टिकली वर्क करती है। सिलोटर मशीन ऑपरेशंस कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, इट इज यूज फॉर वेरियस ऑपरेशंस लाइक इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लैट सरफेस मशीनिंग। इंटरनल सरफेसिंग करनी हो, मशीनिंग करनी हो फ्लैट सरफेस की, इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। द इंटरनल रेसिसेस ऑफ सर्कुलर सेमी सर्कुलर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सर्फेसिस, कोई गड्ढे हैं करने हैं जैसे कि सर्कुलर है सेमी सर्कुलर है कॉनकेव और कॉन्वेक्स है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कुलर सर्फेसिस मशीनिंग, अब चाहे एक्सटर्नल सर्कुलर सर्फेसिस चाहे इंटरनल है उसकी मशीनिंग के लिए। ब्लाइंड होल इंटरनल मशीनिंग, ब्लाइंड होल की मशीनिंग के लिए हमने आपको बताया था दोस्तों दो तरह के होल होते हैं, एक तो होता है थ्रो होल एक होता है ब्लाइंड होल। थ्रो होल क्या होता है जो ऑब्जेक्ट के आर पार हो, और ब्लाइंड होल क्या होता है जो ऑब्जेक्ट के आर पार ना हो। फॉर शेपिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ प्रोफाइल, इंटरनल या एक्सटर्नल शेप्स फॉर्म्स की जो प्रोफाइल तैयार करने के लिए, द मशीन ऑपरेट्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड एट सम एंगल टू इनक्लाइंड सर्फेसिस। हॉरिजॉन्टली वर्क कर सकती है, वर्टिकल भी और किसी एंगल पर भी। इरेगुलर सर्फेसिस मशीनिंग, इरेगुलर सर्फेसिस जो होती हैं आड़ी तिरछी सी उनकी मशीनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मशीनिंग ऑपरेशन ऑफ डाइज एंड पंचेज, और जो डाई और पंचेज होते हैं उनके मशीन ऑपरेशंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। द ऑपरेशन लाइक स्लॉट्स ग्रूव्स सेपलाइंस एंड कीवेज फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेसिस। एक्सटर्नल सर्फेसिस जो इंटरनल सर्फेसिस है दोनों के लिए जो है स्लॉट वगैरह के लिए, ग्रू के लिए, सेपलाइंस या कीवेज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल गियर टीथ मशीनिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल गियर टीथ मशीनिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों टाइप्स ऑफ स्लॉटर मशीन क्या होती हैं देखते हैं। स्लॉटर मशीन आर कैन बी कैटेगराइज्ड इन दीज फोर टाइप्स, कौन सी, पंच स्लॉटर, प्रीसीजन टूल रूम स्लॉटर, प्रोडक्शन स्लॉटर एंड स्पेशल पर्पज स्लॉटर मशीन, ये इसके दोस्तों टाइप्स हैं। स्लॉटर मशीन की एप्लीकेशंस की बात करें तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्लॉटर मशीन्स, क्या है, इट इज यूज फॉर कटिंग स्लॉट्स, स्लॉट काटने के लिए, सप्लाई एंड कीवेज बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में इसका इस्तेमाल करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द मशीनिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल गियर्स, एक्सटर्नल चाहे इंटरनल गियर्स हैं उनकी मशीनिंग के लिए, इंटरनल मशीनिंग ऑफ ब्लाइंड होल्स के लिए, और इट इज यूज फॉर लाइट कट्स और लाइट कट्स वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये दोस्तों स्लॉटर मशीन का फिगर दिखा रखा है विद नॉर्मल क्लेचर के साथ, इसका ध्यान रखना है, देख लेना इसमें कि रैम है, क्रैंक डिस्क है, लीबर है, बुल गियर है, कोन पुली है, कॉलम है, फीड शाफ्ट, पॉल एक्चुएटिंग क्रैंक है, इधर बेस है, फीड गियर है, क्रॉस स्लाइड है, टेबल और क्रॉस फीड हैंडल और सर्कुलर फीड हैंडल, उधर ये ऊपर टूल। ये दोस्तों इसका नॉर्मल क्लेचर हो गया। डिफरेंस बिटवीन सेपर एंड स्लॉटर मशीन, इसमें क्वेश्चन में सेपर और स्लॉटर में डिफरेंस पूछ लेते हैं। इन सेपर मशीन्स द डायरेक्शन ऑफ कटिंग स्ट्रोक इज हॉरिजॉन्टल, सेपर में डायरेक्शन जो कटिंग स्ट्रोक की जो डायरेक्शन होती है कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है विद स्लोअर देन द रिटर्न स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक से स्लोअर, यानी कि रिटर्न स्ट्रोक जो होता है जिसको आइडल स्ट्रोक बोलते हैं वो उसमें स्पीड ज़्यादा होती है, और जब ये कटिंग वर्क स्ट्रोक होता है इसमें स्पीड कम होती है। बट इन स्लॉटर मशीन द डायरेक्शन ऑफ कटिंग टूल इज वर्टिकल विद स्लोअर देन द रिटर्न स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक के स्लोअर देन के कंडीशन में इसमें जो है क्या होता है वर्टिकल कंडीशन में काम करती है। इन सेपर रैम होल्डिंग द टूल रेसिप्रोकेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टूल्स को रेसिप्रोकेट करते हैं रैम जो है। वेयर इज इन स्लॉटर द रैम होल्डिंग द टूल रेसिप्रोकेट्स इन ए वर्टिकल एक्सिस, और दूसरे में क्या होता है वर्टिकल एक्सिस में। सेपर मशीन इज यूज फॉर यूज टू प्रोड्यूस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और इनक्लाइंड फ्लैट सर्फेस, जो आपकी सेफर होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या इनक्लाइंड सर्फेसिस को फ्लैट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेयर इज इन स्लॉटर मशीन इज यूज फॉर कटिंग कीवेज, और जो स्लॉटर होती है वो कीवेज वगैरह काटने के लिए, ग्रूप्स काटने के लिए, स्लॉट काटने के लिए, वेरियस अलग शेप्स हैं, फॉर मेकिंग रेगुलर एंड इरेगुलर सर्फेसिस बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल, फॉर कटिंग इंटरनल गियर्स, फॉर हैंडलिंग लार्ज एंड फॉर अबाक वार्ड जॉब्स, जो आड़ी तिरछी सी उल्टी सीधी सी जो जॉब होती हैं उन पर काम करने के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।